जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड में 70,000 से अधिक लोगों की होगी छंटनी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये छंटनी कब हो सकती है और कोल इंडिया लिमिटेड में 70,000 से अधिक लोग आखिर कब तक निकाले जा सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आई बड़ी खबर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों, अगर आप लोग माइनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, माइनिंग मैन, फोरमैन, ब्लास्टर, ओवरमैन, सरदार, सर्वेयर, किसी भी एग्जाम के लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल है जिसके माध्यम से आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे पास SSCL माइनिंग सरदार एग्जाम के लिए एक स्पेशल नोट्स तैयार किया गया है। इसके अलावा जो है आप लोगों के लिए GGMS एग्जाम के लिए भी नोट्स अवेलेबल है, तो कांटेक्ट जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह खबर है दोस्तों ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की तरफ से। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर एक संस्था है जिसके द्वारा 10 अक्टूबर को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जैसे जैसे दुनिया में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की ओर बढ़ रही है, आने वाले समय में कोयला उद्योग में 4 लाख से अधिक कर्मचारी 2050 तक अपनी नौकरी खो देंगे। आपको बता दें कि चीन और भारत में इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड तब तक 70,000 से अधिक नौकरी की कटौती करेगा। यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आने वाले समय में 2050 तक कोल इंडिया लिमिटेड से 70,000 से अधिक लोगों की छंटनी हो जाएगी। आपको बता दें कि ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर एक US आधारित जो है वह सरकारी संगठन है, यानी कि अमेरिका का एक न्यूज नेटवर्क है जो कि एक सरकार की तरफ से काम करता है, जो कि दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा पर जानकारी संकलित कर और प्रकाशित करता है। दुनिया भर में 4,300 सक्रिय और प्रस्तावित कोयला खदानों और परियोजनाओं में रोजगार पर डेटा संकलित किया गया। भारत सहित 70 देशों की कोयला खदानों का इसमें डाटा है, जिसमें कोयला में 3,30,000 जो कि भारत में काम करते हैं रेगुलर मजदूर, उनके बारे में भी रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि लगभग पूरी दुनिया में 27 लाख कोयल कर्मी हैं। दुनिया भर के जो 93% है वो एशिया में लोग काम करते हैं। एशिया यानी कि जहाँ पर चीन, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये सब देश आते हैं, यहाँ पर जो है लगभग 27 लाख में से 9,90,000 नौकरी जाने की संभावना है। एक तिहाई से अधिक की छंटनी का अनुमान लगाना पड़ सकता है। यहाँ तक कि जलवायु संबंधी और कोयला को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की नीतियों के बिना रिपोर्ट्स के अनुसार 2035 तक हर दिन 100 लोगों की छंटनी होगी। यानी कि 2035 तक जो है प्रतिदिन 100 लोग कोलकर्मी जो है वो कोल क्षेत्र से बाहर निकाले जाएंगे। यानी कि आने वाले समय में माइनिंग का ज़्यादा फ्यूचर नज़र नहीं आता है। दोस्तों, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की रिपोर्ट का अनुमान है कि कोयला खदानें बंद होने से भारत और चीन को छंटनी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चीन में 1.5 मिलियन से अधिक कोयला कर्मी हैं, यानी कि जो है लगभग 15 लाख लोग कोयले में काम करते हैं, जो कि 85% जो है वो कोयले का उत्पादन करता है। कोयले के उत्पादन में चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल प्रोडक्शन देश है। कोल इंडिया लिमिटेड को 2050 तक सबसे अधिक छंटनी करने की संभावना बताई जा रही है। 2050 तक 73,800
प्रत्यक्ष कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी और कोल इंडिया लिमिटेड इन्हें निकाल देगा। तो ये रही दोस्तों खबर, कैसी लगे शेयर जरूर करें। थैंक यू।